नगर पंचायत लमुआ चेयरमैन पद प्रत्याशी जो तीर्थराज यादव जी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, आपके जिला सत्र न्यायालय से अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। समाज में सेवा करने की इनका भाव बहुत अभूतपूर्व रहा और लोगों के मन में, इनके मन में ये बनता रहता है कि समाज के प्रति मैं क्या ऐसा करूं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि पहला ये नगर पंचायत हुआ है लमुआ का और निवासी ये वार्ड नंबर 4 के हैं, कृष्णा नगर परशुरामपुर के। और सभी निवेदकगण, सभी क्षेत्र के वासी जो भी टाउन एरिया में आ गए हैं नगर पंचायतें, सबको संबोधन ये कर रहे हैं और अपनी बात को बहुत ही प्रमुखता से रख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर पंचायत हो, चाहे आवास प्लस के आवासीय हों या इंटरलॉकिंग या सीसी रोड। इनका तो आइए बात करते हैं, इनसे बातचीत के दरमियान इनका काफिला काफ़ी दूर तक चला आ रहा है। आइए मैं चलता हूँ, उनसे मिलता हूँ तीर्थराज यादव जी से और दिखाने का प्रयास करूँगा आपसे कि क्या क्या इनका विषय है और किन विजन को लेके साथ में जा रहे हैं, किन विजनों को साथ में लेके ये अपना प्रस्तुति करेंगे। और आइए सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर कि यूपी न्यूज़ से मैं हूँ, क्या आपका विजन है, क्या लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मेरा विजन है जो भ्रष्टाचार है जी, चाहे वो आवास से हो, रास्ते से हो, पेयजल व्यवस्था से, शौचालय से हो, ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करने का उद्देश्य लेकर आए हैं जी। और साफ सुथरी पंचायत बनाने के लिए जी, और वो आदर्श पंचायत इसको बनाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। सर थोड़ा कैमरे के सामने होकर आप बात करें, ये बताएं कि आपका जो क्या लक्ष्य होगा, हर घर को रास्ता, हर घर को नाली जी, हर घर को शुद्ध पेयजल व्यवस्था जी, रास्ते में जो भी व्यवधान आएंगे जी, समुचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, चाहे जैसे, उसको हम दूर कर देंगे। सरकारी जमीनों पे भूमाफियाओं का बड़ा कब्जा रहता है, अतिक्रमण कर रखे हैं, चाहे पंचायत भवन हो, पूर्व का पंचायत भवन हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, इस तरह के ग्राम सभाओं पे जो अतिक्रमण है, इस पे आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे, कोई भी अवैध कब्जा चाहे निजी संपत्ति का हो, सार्वजनिक संपत्ति का हो, ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि भूमाफियाओं के चंगुल से इसको छुड़ाएंगे और सर्वजन हिताय में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबको लेके साथ में चलने का आपका वो है। अच्छा, आप अपनी जीत का दम जो भर रहे हैं, किस बल पे आप भर रहे हैं? ये मेरी नई नगर पंचायत है लम्भुआ जी, और इसके मूल निवासी हम हैं जी। ये मेरी सदैव इच्छा रही है जी, हम अपनी नगर पंचायत के लिए कुछ ऐसा करें जी, जो देश और प्रदेश जाने की लम्भुआ नगर पंचायत है, उसके लिए आदर्श पंचायत बनाने का लक्ष्य लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हैं और समाज की सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं और इसको करेंगे। जातीय समीकरण से आप कहाँ तक जाते हैं? देखिए, जातीय समीकरण मेरे इस चुनाव में जी बहुत इफेक्ट नहीं करेगा जी, यहाँ चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, व्यक्तित्व पे लड़ा जा रहा है, साफ सुथरी छवि, काम करने वाला, जुझारू, कर्मठशील जी जी, व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर होगा तो चेयरमैन यहाँ का होगा। इस पे पार्टी का बहुत असर नहीं है जी। तो इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, पेयजल या तमाम आवास, शौचालय, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो, उसको आप कराने के लिए कब तक प्रतिबद्ध हो जाएंगे अगर जैसे चेयरमैन आप बन जाते हैं तो? चेयरमैन बने पहली बैठक में ही जी, जो महत्वपूर्ण समस्याएं जी उसका निदान पहली बैठक में ही प्रस्ताव पारित करके उस पर काम कराने का प्रयास करेंगे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत।